राम राम बहनों, कैसे हो? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, और परमपिता परमात्मा से उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बागली के आटे के लड्डू बनाने जा रही हूँ, आप सभी रेसिपी देखो। थैंक यू। ये काजू हैं, मैंने पीस कर लिए थे। ये बादाम है, ये मगज है, और ये पिस्ता है, ये थोड़ी सी पिसी हुई सौंठ है, और ये देसी खांड है, ये घी है, ये घी है। तो चलो बनाना शुरू कर रही हूँ। इस आटे को थोड़ा ही भूनना पड़ता है, क्योंकि ये बाकली पहले ही उबली हुई है, तो इसको थोड़ा ही 10 मिनट कम से कम भूनना पड़ेगा। ये काजू तो भून रही हूँ मैं, थोड़े इसका मॉइस्चर निकल जाए। ये बादाम है, काजू उसमें डाल दिए हैं आटे में। ये सौंठ ऐसे ही डाल देती हूँ, ये इस आटे के साथ ही भुन जाएगी। ये भी भुन चुके हैं, इसको भी आटे में डाल रही हूँ। ये पिस्ता है, ये मगज है, ये आटे के साथ और अच्छे से भुन जाएंगे। अब घी डाल दिया है मैंने, आटा भुन चुका था, घी डाल दिया है मैंने। ड्राई फ्रूट्स भी भुन चुके थे। बहनों आप भी बना के देखना, बहुत यम्मी बनते हैं ये लड्डू, आटे के लड्डू से अच्छे बनते हैं ये, और फायदेमंद भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं गर्मियों में। ये घी मिला दिया है, देखिए कितने अच्छे से। ये मेरा पोता है लक्ष्य यादव। इसकी आवाज नहीं। ये खांड है, खांड डाल रहे, क्योंकि अगर पहले गर्म में डाल देते ना तो ये चिपचिपी हो जाती, अब थोड़े ठंडे में डाले। ये अंदाजे से ही डालिए मैंने खांड भी, क्योंकि आटा थोड़ा था ना, तो अंदाजे से ही घी और खांड मिला दिए हैं। अब इसके लड्डू बांध लेंगे। अब इसके लड्डू बांध देंगे छोटे छोटे, छोटे बड़े जो जैसे आपको सही लगे बांधना। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं ये बाकली के, और मैं तो आटे के कम ही बनाती हूँ, इसी बाकली के आटे के ही ज़्यादा बनाती हूँ, अक्सर मेरे बच्चे यही खाते हैं। देखिए बहनों लड्डू बन चुके हैं।
आप भी बना के देखना, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। केसरिया 306 है, चक्की से ही पीस लेती हूँ। ये चने हैं, ये मैंने ना वो कर लिए थे क्योंकि ये चक्की बहुत गर्म हो जाती है, तो इस वजह से मैंने ये दल दिए पहले। अब इनको भी इसमें मिलाऊंगी और आपको दिखा देती हूँ। इसके Thank you.